सावन के आखिरी सोमवार के उपलक्ष्य में शहर में स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया गया। देश की उन्नति और प्रदेश में अच्छी बरसात की कामना को लेकर यहां अभिषेक हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दोपहर शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ सहस्त्रधारा अभिषेक शाम तक चला। बाद में महाआरती का आयोजन किया गया। जानकारी में सामने आया कि सावन मास का इस बार विशेष महत्व रहा है। अधिक मास होने के कारण सावन माह 2 माह तक रहा। प्रतिदिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। सावन माह के आखिरी सोमवार को भी विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही अभिषेक शुरू हुए। दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव, खरडिया महादेव मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। शहर में हजारेश्वर महादेव मंदिर में श्री महंत चंद्रभारती महाराज के निर्देशन में सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि स्थानों के श्रद्धालु शामिल हुए। यहां पर 7.5 क्विंटल गाय के दूध, 2 क्विंटल गन्ने का जूस, 1 क्विंटल चंदन और केसर तिलक, 15 किलो शहद, 7 किलो देसी घी, 31 किलो चरणामृत से अभिषेक किया गया। आयोजन को लेकर श्री महंत भारती महाराज ने बताया कि आज परम पिता परमेश्वर की सर्वस्व कृपा हो रही है। 1008 धारा के द्वारा भगवान शिव को नहलाया जा रहा है कि प्रभु पूरे राजस्थान में बरसात कर दे, बादलों की मेहरबानी हो और किसानों को सक्षम कर दे, किसानों के घर में सुख शांति और समृद्धि कर दे, भारतवर्ष में सुख शांति और समृद्धि हो। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने को करके दिखलाया है। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर इतना आनंद दे, सुख शांति समृद्धि हो, अशांति का नाश हो, यही ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। का जो दिन है आज वो आनंदमय है। परमपिता परमेश्वर का सर्वस्व कृपा हो रही है। 1108 धारा के द्वारा भगवान शिव को जो है आज नहलाया जा रहा है कि प्रभु पूरे राजस्थान में जो है बरसात कर दे, भला अपनी इंद्रदेव अपनी कृपा बरसाएं, मेघराज अपनी कृपा बरसाएं और हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो है सक्षम बनाए और उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो। ये ऐसा भाव रख के जो है 7 क्विंटल और 51 kg दूध है जो गाय का दूध, प्योर गाय का दूध है और उसके द्वारा अभिषेक हो रहा है और 2 क्विंटल गन्ने का जूस है और 100 किलो जो है वो जो है हमारे चंदन और उसका चंदन का और केसर का वो जो है तिलक जो है उनके उनका उनका किया गया। शहद जो है 15 kg के करीब और 7 किलो घी के द्वारा हो रहा है और 31 किलो जो है पंचामृत के द्वारा जो है भगवान महादेव का अभिषेक हो रहा है। कि जिस प्रकार वो उनको इसीलिए दिया जा रहा है कि हमारे जो है भारतवर्ष में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी जो है जो मोदी जी ने काम करके दिखाया, इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर खूब इतना आनंद दे, सुख शांति समृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सब जगह जो है शांति हो, अशांति का नाश हो। ये परमपिता परमेश्वर से यही इसी के लिए किया जा रहा है। हम नागा संत हैं। नागा संत होता है, नागा संत का जो मतलब क्या होता है, वो बाल रूप होता है। जब वो भस्म उड़ता है ना, तो भस्म उड़ता है तो उस संसार से जिसका अंत हो जाता है वो संत होता है। तो वो इसीलिए है कि वो हम अपने जो हमारा स्वरूप है आज हम उसी स्वरूप से जो है, क्योंकि मेरे प्रभु भी दिगंबर हैं और मैं भी श्री दिगंबर हूँ, तो मेरे जो है प्रभु ने जो मेरे ऊपर कृपा दी है या आनंद किया है, क्योंकि उनकी कृपा से इंसान साधु बनता है। अगर वो चाहे तो ही बनता है, नहीं तो कोई इंसान अपनी कोशिशें भी कर ले तो नहीं बन सकता है। शास्त्रों में शहर धारा का मतलब जो है कि हमारे यहाँ पर शहर मतलब जितने जो शहर उसमें चल रहे हैं उतने ही हमारे जो देश को मतलब शहर धन मिले, माया मिले, धन मिले, सुख मिले, शांति मिले। विष्णु जी के हैं 1000, ब्रह्मा जी के जब सबके नाम 1000 हैं तो इसलिए सबको वो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु में ओम के विष्णु प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये एक को नहीं मिल रहा, सारे संसार को, सारे परमात्मा जो ब्रह्मांड को जो है ये जा रहा है। और अब इससे क्या है, हमारे जो सब्जियां हैं, दालें हैं, ये जो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये पंचामृत है, जब ये धरती में जाता है तो हमारी धरती पुष्ट होती है और हमारे यहाँ अनाज वगैरह सब बहुत अच्छा होता है और